गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। पराली जलाने से होने वाली क्षति के प्रति किसानों को करें जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों के साथ दुर्व्यवहार तत्काल बर्दाश्त नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा। कहा, परिवहन विभाग के सभी कार्यों को किया गया ऑनलाइन, वाहनों के नंबर प्लेट की हेराफेरी की भी की जाए जांच। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को ऑनलाइन करेंगे गोरखपुर के 220 करोड़ के 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, गोरखपुर न्यूज भी करेगा अपने चैनल पर सीधा प्रसारण। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया रही जारी। 14 प्रत्याशियों ने खरीदा पर्चा। मंडलायुक्त ने कहा, 12 नवंबर तक होगा नामांकन। फरवरी तक पूरा हो जाएगा गोरखपुर वाराणसी 4 लेन का 2 लेन। डीएम के विजयन पांड्यन ने दी जानकारी। रेडीमेड गारमेंट के रूप में विकसित होगा गोरखपुर जनपद। जिलाधिकारी ने कहा, पहले से ही है यहां रेडीमेड कपड़ों का बड़ा बाजार, अब मिलेगा और अधिक बढ़ावा, विकसित होगा बाजार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दीक्षा ऐप लागू किए जाने संबंधित बैठक। सभी प्रधानाचार्यों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, विकास के पथ पर अग्रसर है राजस्व गांव वनटांगिया। प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाते हैं वनटांगियों के साथ दीपावली। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य वित्त आयोग से संबंधित स्वास्थ्य विभाग की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में जनपद के सभी थानों के पैरोकारों के साथ की गई समीक्षा बैठक। थानों में लंबित पड़ी हुई चार्जशीट या फाइल रिपोर्ट को गति प्रदान करने के लिए की गई चर्चा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, जनपद में है टेराकोटा की काफी प्रसिद्धि। दीपावली में टेराकोटा के व्यवसाय को मिलेगा नया मकाम। शासन के निर्देश पर वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब होने पर वाहन स्वामियों को करना होगा FIR। संभागीय सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन ने दी जानकारी। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 40 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,240। अब तक 312 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 536 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। प्रतिवर्ष की भांति हुतात्मा दिवस पर वीर शहीद कार्यसेवकों को की याद में दधीच रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान। CMO ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। और रोटरी क्लब यूफोरिया के सदस्यों ने मिट्टी के दिया विक्रेताओं को दिया दीपावली गिफ्ट। खरीदा दिया, कहा, लोकल को वोकल बनाने में मिलेगा बढ़ावा।